हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानते हैं जिसका नाम तो सभी जानते हैं लेकिन उसका सही यूज, सही काम बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं कहूंगा कि 99% लोग इस इंजेक्शन को यूज करते हैं लेकिन इसका सही यूज, सही पता, सही रूट ऑफ कंडीशन इसको बहुत कम लोगों को पता है, जानते हैं इसी के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। कंप्लीट वीडियो देखना है, सभी जानकारी आपको सही मिलेगी, इसे स्किप नहीं करिए। अगर सही जानकारी चाहिए, अगर आप इस जानकारी को सही लेना चाहेंगे, स्किप करते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आज डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे आज कि कौन सी कंपनी का है, कितने रुपए का है, क्या कंपोजिशन मिला हुआ है, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जरा सा भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, कंपनी की बात करें सबसे पहले तो जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का यह बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जो पानी की चलता है। यह इंजेक्शन, यानी यह इंजेक्शन बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है। एमआरपी की बात करते हैं तो ₹11.40 के पर 2 ml का एम्पुल्स आपको कहीं भी मिल जाएगा। यानी ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है जहां पे डेक्सोना इंजेक्शन नहीं मिले। कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें डेक्सोमेथार्पन सोडियम फॉस्फेट 8 mg पर 2 ml में मिला हुआ है। यानी 2 ml का एम्पुल्स आता है, उसमें 8 mg डेक्सोमेथासोन सोडियम फॉस्फेट मिला हुआ है। यानी 1 ml में 4 mg डेक्सोमेथासोन मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि यह डेक्सोना इंजेक्शन किस यूज के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह इट इज ए स्टेरॉइड इंजेक्शन। यह स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो आप सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड टैबलेट क्यों यूज की जाती है। काफी लोगों को तो पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। यानी अगर किसी के इम्यूनिटी की वजह से कोई रोग हो जाता है, कोई इंफेक्शन हो जाता है, यह उस रोग को दबा देता है, उस रोग को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वह रोग खत्म हो जाता है। उसी के साथ में सेल को एक्टिव कर देता है। यह बॉडी में जितने भी सेल रिप्रोडक्टिव है, सेल के जो सिस्टम है उन्हें एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो भी रोग होता है, जो भी बीमारी होती है, उसको यह खत्म कर देता है, रोकता है। और यह जब उन बीमारियों को रोकता है, उस बॉडी के इंफेक्शन को रोक देता है, उसके बाद में आपका जो भी रोग है उसके ट्रीटमेंट के साथ में यह रोग खत्म हो जाता है। तो जानते हैं ट्रीट ऑफ वेरियस डिजीज, एंड यह वेरियस डिजीज में दिया जाता है। अगर किसी के वेरियस डिजीज के कोई इंफेक्शन हो, वेरियस डिजीज की कोई बीमारी हो, उसमें यह काम आता है। कंडीशन सच एज इंफ्लामेटरी, अगर किसी के इंफ्लामेटरी हो, ऑटो इम्यून कंडीशन हो, उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा यह रिकमेंडेड किया जाता है। मैं कहूंगा कि डॉक्टर तो बहुत कम यूज लेते हैं, ज्यादातर यह प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट या फिर कहें कि झोला छाप डॉक्टर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, 99% यूज करते हैं। आल्सो रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग, अगर किसी के स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा, उसे एंटीबायोटिक के साथ में भी देते हैं। कई बार होता है कि अकेला भी है डेक्सोना इंजेक्शन लगाया जाता है, ज्यादातर एंटीबायोटिक के साथ में डेक्सोना इंजेक्शन यूज किया जाता है, जिसको जिससे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। जैसा कि हमने बताया कि आपको यह इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही हो उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक साथ में देने से जल्दी वर्क करेगा। किसी की बॉडी में रेडनेस हो रहा हो, उस कंडीशन में भी दिया जाता है। पेन हो रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो और कई तरह की आपने दवाइयां दे दी, तो डेक्सोना इंजेक्शन साथ में देने से आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ में अगर किसी के टाइफाइड हो रहा हो, टाइफाइड में भी एंटीबायोटिक के साथ में यह इंजेक्शन डेक्सोना लगाया जाता है। मलेरिया में डेक्सोना इंजेक्शन लगाया जाता है। डेंगू होने पर भी यह इंजेक्शन एंटीबायोटिक के साथ में यूज किया जाता है। अगर किसी के आरटीए रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन हो रहा हो, उस कंडीशन में भी इसे यूज किया जाता है और शानदार रिजल्ट रहता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन में स्किन का कोई इंफेक्शन हो,
स्किन इंफेक्शन में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। साथ में स्किन इंफेक्शन में अगर आप स्किन का ट्रीटमेंट और साथ में डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को जल्दी रिकवरी मिलती है, जल्दी वह ठीक हो जाता है। लो बीपी पेशेंट को भी अगर डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे बीपी हाई हो जाती है, बीपी उसमें सही हो जाती है। अगर आप बीपी के पेशेंट को भी यह लगाते हैं तो शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यह तो हमने बता दिया फ्रेंड्स कि डेक्सोना इंजेक्शन किस किस बीमारी में लगाया जाता है और कब कब लगाया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है अगर उनमें डेक्सोना इंजेक्शन यूज करते हैं तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, तो आप ध्यान रखें उन बीमारियों में आप यह डेक्सोना इंजेक्शन नहीं लगाएं, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस बंद हो सकती है, आपका ट्रीटमेंट बंद हो सकता है। जैसे कि अगर किसी के किडनी का पेशेंट हो, कोई हेड का पेशेंट हो, हाई बीपी वाला पेशेंट हो, उन्हें रिकमेंडेड नहीं करना चाहिए, उन्हें यह इंजेक्शन डेक्सोना नहीं देना चाहिए। मैं दोबारा कहूंगा कि जो भी प्रैक्टिस करते हैं, छोटे प्रैक्टिशनर है, झोला छाप डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, उन्हें मैं रिकमेंडेड करूंगा, उन्हें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिन्हें भी किडनी हेड बीपी हो रही हो, हाई बीपी हो रही हो, उन्हें यह डेक्सोना इंजेक्शन कभी भी रिकमेंडेड नहीं करें, कभी भी नहीं लगाएं, नहीं तो आप पे भारी पड़ सकता है। इस डेक्सोना इंजेक्शन से अगर किसी को हाई बीपी हो रही हो तो हाई बीपी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे पेशेंट की मौत हो सकती है, उससे पेशेंट को लकवा आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, तो ध्यान रखें हाई बीपी में तो आप कभी भी यह डेक्सोना इंजेक्शन नहीं लगाएं। अब जानते हैं फ्रेंड इसका इंजेक्शन के यूज कि किस तरीके से और कितना इंजेक्शन यह यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका 2 times per day यह इंजेक्शन 2 times, एक बार सुबह और एक बार शाम को यह इंजेक्शन लगाना चाहिए। यह 1 ml का इंजेक्शन आप दे दें सुबह और शाम, यानी इसकी डोज होती है वह 4 to 6 mg तक पर डे होती है, तो आप 8 mg तक पर डे दे सकते हैं। तो आप इस इंजेक्शन को 1 ml सुबह 1 ml शाम को रिकमेंडेड कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, वह भी आपको मैक्सिमम 7 to 10 days मैक्सिमम लगाना है, इससे ज्यादा आप पेशेंट को नहीं दें। अगर आप इसकी ओवरडोज भी देते हैं, आप 2 to 2 mg सुबह शाम देते हैं तो पेशेंट को इंफ्लामेशन हो सकता है, पूरी बॉडी इंफ्लामेशन हो सकती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, तो आप ध्यान रखिए इसे कभी भी ओवरडोज नहीं दे और लॉन्ग टर्म तक नहीं दे, यह आप ध्यान रखें, नहीं तो पेशेंट के साथ खिलवाड़ हो सकता है, बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट की, तो फ्रेंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इस डेक्सोना इंजेक्शन को लगाने से हो सकता है, वह सभी को नहीं होता, कुछ पेशेंट को हो सकता है, यह टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, लेकिन इसके रेगुलर साइड इफेक्ट भी है, वह भी हम आपको बताएंगे। स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है, यानी अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ भी आपको इस इंजेक्शन से देखने को मिला है। अब बताएंगे कि इसका यह तो टेम्परेरी साइड इफेक्ट हमने बताया था, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस इंजेक्शन को आप रेगुलर यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, तो पेशेंट के शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकती है, तो आप ध्यान रखें इसे रेगुलर नहीं लगाएं। और साथ ही इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट एक और है जो बहुत कम लोगों को पता है, उसका लोग यूज ही मानते हैं, लेकिन यह साइड इफेक्ट है कि इस डेक्सोना को लेने से आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी को भूख की बीमारी होती है, खाना नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें डेक्सोना टेबलेट सिप्रोहेप्टाडिन के साथ में दी जाती है, तो वह सिप्रोहेप्टाडिन का तो यूज है भूख लगना, लेकिन साथ में अगर डेक्सोना देते हैं तो डेक्सोना का साइड इफेक्ट है भूख लगना, तो डेक्सोना साइड इफेक्ट की वजह से यह दी जाती है। अब बात करें फ्रेंड्स कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उन्हें यह डेक्सोना इंजेक्शन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं डेक्सोना इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिलाएं या ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं को रिकमेंडेड नहीं करूंगा। फिर भी आप अगर कोई लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेवे जिससे उन्हें सही सलाह सही इलाज मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिन्हें भी डेक्सोना इंजेक्शन जो भी डेक्सोना इंजेक्शन यूज करते हैं उन्हें यह वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें सही ट्रीटमेंट सही इलाज इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है,
अगर आप किसी भी मेडिसिन को परचेज करना चाहते हैं या फिर किसी भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यह नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी आप ले सकते हैं या फिर हमारे कमेंट माध्यम से भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं कि किसे डेक्सोना इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पे नंबर बताया उस पे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।